पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ यही बात सिखाई जाती रही है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के अंदर खेलों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि पढ़ाई को दिया जाता है। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि खेलों में रुचि रखता है या खेलों का ज्ञान रखता है, तो उसे हम लोग खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन और वो खेल को तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि उसका खेल में मन लगता है। लेकिन क्या कभी आपने कभी ऐसे शख्सियत से मुलाकात की है जिसने खेलों के प्रति ज्ञान और खेलों के प्रति जो अपनी मन की भावना है उसको लेकर खेलों के संदर्भ में तमाम काम किए? ऐसी शख्स से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आपकी मुलाकात करा रहे हैं बरेली शहर के रहने वाले रतन गुप्ता जी से, जिन्होंने खेलों को अपने कार्य का, अपने सोशल वर्क का एक माध्यम बना लिया है। रतन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बरेली लाइव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। रतन गुप्ता जी, ये शुरुआत कैसे हुई खेलों की, क्योंकि आप एक युवा हैं और खेलों के में आपने कभी खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपने खेलों के प्रति इतना रुझान, खेलों के प्रति इतना काम, ये कब से शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा और उससे पहले भी मैं ताइक्वांडो में मेरा जो है लगाव था। मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को देखता था और देखते देखते मेरे मन में क्यों ना एक भाव आया कि मैं जो उन खिलाड़ियों के लिए जो लोग नहीं कर पाते थे, चूँकि मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारा खिलाड़ी के साथ में आज भी शोषण हो रहा है, बहुत सारे कोचेज और बहुत सारे संघ केवल और केवल जेब भरने का काम करते हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इन लोगों की मदद करते हुए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक नया आयाम, एक नया प्रकल्प शुरू किया जाए, जिसके लिए मैंने खेल जगत एक न्यूज़पेपर का भी मैंने गठन किया 2016 में, जिसका माननीय राज्यपाल उस समय राम नाईक जी थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा इस पेपर का विमोचन हुआ और तब से आज तक बराबर हम लोग इस न्यूज़पेपर को पूरे देश भर में प्रकाशित कर पा रहे हैं। और उसका भी मूल जो उद्देश्य था, जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं हैं उनको किस प्रकार से हम एक मंच पर ला पाएँ, और उन प्रतिभाओं के साथ साथ जो हमारे जो बहुत सारे खेल जिनको आज हम लोगों ने, आपने भी सचिन जी खेले होंगे, हम सब लोग खेलते होंगे, कभी गिल्ली डंडा भी आपने खेला होगा, कंचा गोली भी खेला होगा, या बहुत सारे हमारे जो खेल जो बहुत लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म जैसे होते जा रहे हैं, तो उनकी ओर आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है वो उस ओर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब आजकल लोग केवल और केवल स्वार्थ के लिए खेलते हैं कि उनको हम लोग किसी एसोसिएशन के माध्यम से या किसी खेल संघ के माध्यम से खेलेंगे, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, और प्रमाण पत्र मिलने के बाद में उनके मन में एक रहता है कि मुझे जो भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, उनसे पैसा मिलेगा, या उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो किसी उनके कैरियर में उपयोगी होंगे, तो उस ओर उनका लगाव तेज़ी से बढ़ा। और वो लोग जो प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेल थे, जिनमें हम लोग खेल करके एक आनंद की अनुभूति हमको होती थी, ऐसे खेलों से वो बहुत सारे युवा लुप्त तो जो है होते गए, तो मुझे लगा कि उस ओर भी हम लोग इस खेल जगत के माध्यम से जो है उनको लेकर के आएँ। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा सचिन जी कि आज हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू किया है अभियान के तौर पर, एक क्रांति लाने का, कि हम लोग घर घर खेल, हर घर खेल अभियान को हम लोग चला रहे हैं, और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जहाँ पर, चूँकि आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे खेल संघ केवल और केवल उनको एक एरिया होता है, एक दायरा होता है कि वो वहीं तक सीमित रहेंगे, वो गाँव में क्यों जाएंगे, जबकि प्रतिभाएँ अगर आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जितने भी अधिकतर ओलंपिक खिलाड़ी वो गए हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से रहा है। तो मुझे लगा कि हम लोग उस ओर ध्यान दें, चूँकि प्रतिभाएं गांव में ही निकलती हैं और गांव से निकलने वाली प्रतिभाएँ निश्चित ही एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का गौरव बढ़ाती हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण खेल चेतना मेला के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन हम लोग लगातार कर रहे हैं। किस तरह के आयोजन अब तक रतन जी आपने कराए हैं भारत में और बाकी और राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कहाँ कहाँ कराए हैं, कितने दूर गए हैं, किस तरीके के कार्यक्रम रहे हैं वो? देखिए सचिन जी, अभी मैं आपको बात करूँ तो जितने भी हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं लगभग लगभग सभी जगह हमारी इकाइयाँ हैं, और अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही काम हुआ है, और पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, वहाँ पर भी हमारा काम हुआ है। तो अभी हम लोगों ने, हम सब लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी जो हमारे भारत के गौरव हैं और उनको भारत रत्न आज तक नहीं मिला, उसके लिए मैंने एक अभियान चलाया लाखों युवाओं के हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मैंने जो है वो प्रणबदा जी को मैंने सौंपे थे, और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की, चूँकि खिलाड़ियों का सम्मान सभी करते हैं लेकिन उनकी माता का सम्मान होना चाहिए, तो उस समय मैं क्रीड़ा भारती में था,
तो क्रीड़ा भारती के बैनर तले और मैंने माननीय राज्यपाल जी से मैंने व्यक्तिगत आग्रह करते हुए उनको बरेली आमंत्रित किया और वीर माता जीजाबाई पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को माताओं को मैंने सम्मान दिया। इसके साथ साथ हमारा समाज निरोगी रहे उसके लिए मैंने 100,000 लोगों को सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया। खेलो बरेली यात्रा हमने कराई और हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी को मैंने आग्रह किया उनके माध्यम से 90 युवाओं को जो केवल खेल में नहीं, खेल में, साहित्य में, शिक्षा में, कला में, व्यापार में, अलग अलग प्रतिभावान युवा मुझे दिखे उनको भामाशाह युवा प्रतिभा सम्मान से हमने सम्मान दिया। और बराबर हनुमान जयंती हो या कोई भी अनेकों आयोजन हमारे लगातार रहते हैं। और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो 2018 में हम लोगों ने वहां पर जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस पर 4.5 लाख युवाओं को उत्तराखंड ज्ञान परीक्षा से हम लोगों ने जोड़ा, वो भी खेल जगत का एक आयोजन था। और अभी हाल फिलहाल में ही अभी हम लोगों ने पूरे भारत की एक अनोखी यात्रा भी हम लोगों ने किया जिसमें हमारे जो 129 खिलाड़ी देश के गौरव हमारे जो टोक्यो ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको शुभकामना देने के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो नारा था चेयर फॉर इंडिया उसको सार्थक करने के लिए हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश टोक्यो ओलंपिक अवेयरनेस यात्रा का आयोजन किया जिसमें खेल विभाग उत्तर प्रदेश, युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक और यूपी ओलंपिक का हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। और 4,625 किलोमीटर की यात्रा 51 जिलों में हम लोग लेकर के गए थे और कोविड के तुरंत बाद वो यात्रा हम लोगों ने जो है निकाली। बहुत लाखों युवाओं ने उसको सहारा और बहुत अच्छा हमको उसका जो है मैसेज गया समाज में। इस यात्रा के दौरान हमने जो टोक्यो ओलंपिक में अपने उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी गए हुए थे उनके माता पिता को भी हम लोगों ने सर्किट हाउस में जो भी जिले के थे हम लोगों ने वहाँ सम्मान दिया। और अभी आप लोग बैनर देख रहे होंगे तो अभी हाल फिलहाल में ही देवभूमि उत्तराखंड खेल चेतना यात्रा भी अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी परसों ही मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार उनसे मुझे आशीर्वाद मिला और उन्होंने हर संभव मदद देने का खेल जगत को आश्वासन दिया है। और मंगलवार को मेरी खेल मंत्री से इसी विषय में मेरी चर्चा वार्ता होने वाली है तो निश्चित ही हम लोग अपने जो हमारा पड़ोसी राज्य है कभी एक हमारे ही उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था तो हम लोग वहाँ पर भी देवभूमि खेल चेतना यात्रा जो पूरे है 13 जिले हैं उत्तराखंड में उन सभी जगह जाने वाले हैं और वहाँ पर भी हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि वहाँ के जो प्रतिभाएं हैं उनको भी हम लोग सम्मान दें और उनको बताएं। चूँकि गाँव में हम लोग यहाँ पर तो जीना बहुत सरल है लेकिन पहाड़ी जीवन बहुत कठिन होता है, वहाँ की प्रतिभाएं जबकि अगर देखा जाए तो नेचुरल वहाँ ब्यूटी है और वहाँ में स्टेमिनर बहुत होता है वहाँ के युवाओं में लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं खेल की उन तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये 20 दिवसीय यात्रा उत्तराखंड में चालू होने वाली है 15 मई से। 15 मई से कब तक चलेगी ये? 15 मई से 5 जून को देहरादून में सम्पन्न होगी और रेखा आर्या जी जो अपनी उत्तराखंड की खेल मंत्री उनकी विधानसभा सोमेश्वर अल्मोड़ा से हम लोग शुरू करेंगे। अल्मोड़ा से नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर, बागेश्वर से चमोली और रुद्रप्रयाग ऐसा करके हम लोग सभी 13 जनपदों में होते हुए देहरादून में 5 जून को इस यात्रा का विश्राम करेंगे। रतन जी, भारत सरकार की एक योजना चलती है खेलो इंडिया, तो आपका खेल जगत फाउंडेशन उससे कितना समकक्ष है या उसके उसकी नियमों पे चलता है या उसको फॉलो करता है क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जो भारत सरकार की योजनाएँ हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, देखिए हम लोग न्यूज़पेपर का एक काम यही होता है कि वो जन जन तक जो समाज में सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो हम लोग अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से एक हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे लाखों युवा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरे देश भर के लोग मेरे साथ में संपर्क में रहते हैं, तो मैं एक अपने पेपर के माध्यम से और खेल जगत फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी योजनाएँ हैं वो जन जन तक पहुंचाना, हम लोग बराबर उनको फॉलो करते हैं। किस तरह के खेलों को प्राथमिकता देते हैं रतन जी आप, आगे बढ़ावा देते हैं? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं चूंकि भारतीय हूं और हम आपका भी नाम मिलता जुलता है सचिन भारती जी, तो मैं प्राथमिकता तो जो भारतीय स्वदेशी अपने खेल हैं अगर मैं बात करूँ तो आज योग को भी खेल का दर्जा मिल चुका है जबकि वो हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। आज 170 देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आज भी हमारे भारत के बहुत सारे युवा योग से वंचित हैं। तो हम लोग योग के माध्यम से आज तो योग में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं और इसके अलावा योग से एमए, बीए, बीएससी, पीएचडी भी योग से हो रही है। हम लोग टकअप वार देख लीजिए, रस्सा कसी, चूँकि अगर रस्सा कसी की मैं बात करूँगा तो आप पुराने काल में जाइए तो जो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भी वो उस रस्सा कसी की तरह उसका यूज हुआ था। तो हमारा मूलतः भारतीय खेल है, हमारे शतरंज हम खेलते हैं,
हमारे शिव जी ने, पार्वती जी ने भी चौसा के रूप में शतरंज का उपयोग किया था। तो ऐसा हम लोग जो स्वदेशी खेल हैं उनकी ओर हम लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और उद्देश्य चूँकि उनमें एक तो बहुत सारे संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है, और एक सामान्य परिवार का भी बच्चा उसको बहुत आसानी से खेल लेता है और आनंद की अनुभूति करता है। और इनके साथ साथ उनको हम लोग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराते हैं कि भैया आप लोग इन प्रतियोगिताओं में खेलो, इनके माध्यम से आप लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे आजकल तेज़ी से फर्जी खेल संगठन भी पनप रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा साथियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रत्येक रविवार को एक हेल्पलाइन भी चलाई है। उस हेल्पलाइन के माध्यम से मैं अपने समाज के पूरे देशभर के युवाओं को अगर उस रविवार को अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम लोग उसको अवगत कराते हैं कि भैया आपको क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो बराबर हम लोग निस्वार्थ भाव से, हमारे यहाँ कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता, लोग तो जेबी भरने का काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा हम लोग आज से नहीं एक बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज निरोगी रहे और स्वस्थ रहे, और अपने जनपद का, प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत माता की जो है वो आगे झंडा जो है वो ऊंचा करता रहे, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। रतन जी, आपने खेल जगत फाउंडेशन बनाया, भारत के अंदर ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे आते हैं, जो तमाम जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वो खेलों में रुचि रखते हैं या खेलों में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई फाउंडेशन आपको कोई काम करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है। हम लोग जो जिन विद्यार्थियों को सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, अभी हम लोगों ने जैसे पंजा, हम लोग पंजा लड़ाते थे, तो आपको मैं बता दूं पंजा लड़ाने में हम लोग चूँकि हमें एफिलिएशन भी मिल गया है और खेल जगत फाउंडेशन को उत्तर प्रदेश ओलंपिक से भी हम लोग को मान्यता मिल चुका है, और हम लोग बराबर अपने द्वारा जो आयोजन होते हैं हम लोग ग्राम पंचायत लेवल पर काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से हम ब्लॉक में आकर के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के बाद में जनपद में, और जनपद से राज्य में, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने के बाद जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघ हैं, जिनके प्रमाण पत्र मान्य हैं, जिनके प्रमाण पत्रों के आधार पर बच्चा सर्विसेज में जो है उसको दो आरक्षण मिलता है, 2% की नौकरियां जो कोटे स्पोर्ट्स कोटे की निकलती है उसमें वो आवेदन कर पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो धनराशि है, आज आपको बता दूं कि बहुत सारा करोड़ों खरबों रुपए का बजट आता है और बहुत सारे खिलाड़ी को उसका लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसी बराबर हम लोग चिंता करते हैं कि हम लोग का उद्देश्य वही रहता है कि केवल और केवल खिलाना नहीं है उसको, वो उसको निकालते हुए उसको एक मंच देने का हम लोग प्रयास करते हैं। और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त खेल संघ है कि भैया हमारे पास ये अच्छा खिलाड़ी है, इसको आप अपने साथ में मर्ज करते हुए और इसकी चिंता करें और आगे इसको बढ़ाएं। रतन जी, अक्सर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर अक्सर देखने में आता है कि खेलों में पुरुषों की संख्या अधिकतर होती है, तो क्या कुछ और तरीके से आप लोग महिलाओं को भी, बच्चियों को भी, बेटियों को भी आगे ला रहे हैं, खेलों में शामिल कर रहे हैं उनको? देखिए, आज आप अगर बेटियों की बात करें तो आज पुरुषों की अपेक्षा बेटियाँ बहुत अच्छा तमाम खेलों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चूँकि मैं बरेली से आता हूँ, तो आपने अगर महिलाओं की बात की तो अभी हाल में ही जो अपने क्या नाम है हॉकी की हमारी एक जोशी मैडम हैं, रजनी जोशी, उनको रानी लक्ष्मी अवार्ड मिला है, एशियन मेडलिस्ट हैं वो, और जो है एक ओलंपिक खिलाड़ी हमारे बरेली से निकली हैं सुमंगला शर्मा, जिनको 2004 एथेंस ओलंपिक में उन्होंने अपने बरेली से निकलते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाया। और तमाम ऐसी महिलाएं हमारी बेटियां जो है लगातार अपने देश का गौरव बढ़ा रही हैं, और अभी सेपेक टाकरा एक खेल निकलता है उसमें बहुत सारी बेटियां एशियाड लेवल पर जो है अपने बरेली का गौरव बढ़ा रही हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा एक खेल जगत फाउंडेशन का एक अभियान चलता है, बेटी सुरक्षा संकल्प हमारा, तो इस अभियान के तहत हम लोग बहुत सारी लाखों लाखों बहनों को हम लोग सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण निःशुल्क हम लोग देने की हमारे यहाँ व्यवस्था है, और वो बराबर चल रहा है। और बेटियाँ आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं, और हम लोग उनको प्राथमिकता भी देते हैं कि वो लोग सेफली अच्छे खेलों में आगे आएँ, और वो भी अपने देश का अन्य पुरुषों की भांति गौरव बढ़ाएं। और भविष्य की क्या क्या योजना है रतन जी, थोड़ा सा आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे। जी, भविष्य में हम लोग अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारी देवभूमि खेल चेतना यात्रा है, इसके साथ साथ अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जो खेल मंत्री अभी बने हैं अपने यादव जी, तो अभी मैंने उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था और बहुत सारी मैंने उनसे सवाल जवाब किए, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से तमाम अभी हमारा जो हमने बोला कि बेटी सुरक्षा संकल्प हमारा, इस अभियान को लेकर के पूरे एक एक अंतिम गांव-गांव तक हम लोग, हमारी टीम जो है बेटियों को निशुल्क निस्वार्थ भाव से उनको सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देने वाली है,
और तमाम आयोजन, चूँकि अभी हम लोग देख ही रहे हैं कोविड से अभी हम लोग निकल के चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बंद थी, लेकिन अब बराबर व्यवस्था में वो सब चालू हो चुका है। तो निश्चित ही अभी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं और उद्देश्य यही है कि हमारे देश के हमारे युवा जो भटक रहे हैं, वो अगर वो कहीं कैरियर नहीं भी बनाते हैं तो कम से कम जो डॉक्टर्स के पास दो दो तीन तीन घंटे का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो नौबत ना आए, वो निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि खेल आजकल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल देख ही रहे हैं खान पान हमारा वो ठीक से मिल नहीं पाता, तो एक खेल ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर हम खेलेंगे तो हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे, परिवार में तमाम आज लोग हम लोग इकट्ठे नहीं रह पाते, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो मुझे लगता है अगर खेल अगर हम खेलेंगे तो हम लोग निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो समाज का कुछ उद्धार भी कर पाएंगे, भला कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए। बरेली लाइव से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई।